सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड के अंतर्गत अवगा हाई स्कूल मैदान में पुलिस पब्लिक हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिता का फाइनल मैच संपन्न हुआ। इस मौके पर फाइनल मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि सह पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का ने किया। साथ ही अतिथियों द्वारा दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड पार्टी युवा जिला अध्यक्ष संदेश एक्का, जिला परिषद अध्यक्ष रोष प्रतिमा सोरेंग, जिला परिषद सदस्य बोलबा अनीता सोरेंग, झारखंड पार्टी साथ ही जिला अध्यक्ष मतियस बागे मौजूद रहे। हॉकी फाइनल मैच में उड़ीसा जीवन ज्योति ए टीम सागजौर बनाम जीवन ज्योति बी टीम के बीच खेला गया, जिसमें जीवन ज्योति सागजौर ए टीम 2 गोल से विजयी हुई। फुटबॉल फाइनल मैच में बोलबा पाकर बहार और तलसेरा उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें तलसेरा उड़ीसा की टीम ने पेनाल्टी शॉट आउट में 3 गोल से जीत हासिल की। मौके पर मुख्य अतिथि सह पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि झारखंड पार्टी हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, ताकि यहां के खिलाड़ी आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। हां बताएं। और आज के समापन दिवस पर आप सबों को आज यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हाई स्कूल मैदान में हम लोग आए जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन लोगों से मिलकर बड़े खुशी हुआ और लोगों से मिलकर खुशी तो जरूर निश्चित रूप से हुआ, लेकिन यहाँ आके देखने से ये पता चला कि 2005 से 2017 तक जो काम हुआ है आज तक वही हुआ है और कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज हम संकल्प लेके जा रहे हैं, यहाँ जो भी काम है जिससे समस्या है हाथी की है, जो हाथी के आतंक से लोग यहाँ बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों का खेती खा जा रहा है, लोगों का घर तोड़ दे रहा है, लोगों का जान माल की खतरा हो जा रहा है। तो इसको निश्चित रूप से हम आज सोच के जा रहे हैं कि आज पुनः हम एक बार डीसी को लिख के दिए हैं और फिर हम डीसी को से मिलेंगे और ये डीसी कब तक आश्वासन देते हैं कि कब तक हाथी को भगाएंगे और जब तक नहीं भगाएंगे अगर इस बाधित मैच के लिए दी गई और इन सभी 11 खिलाड़ियों को इस मैदान में 10 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दी गई है। जल्लेगा प्रखंड के लोगों को मिलाकर हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग इन्हें जाम करेंगे, जब तक हाथी नहीं भगाया जाएगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे और तब तक लोगों को हम निश्चित रूप से निजात दिला के रहेंगे और जो भी बचा हुआ काम है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहूँगा कि आज हमारा सिमडेगा जिला सदर माना जाता है, दशहरी माना जाता है, लेकिन आज भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यहाँ सिमडेगा जिला में अच्छा खेल का मैदान नहीं है। आज जब तक उर्मिला विधायक एनोस एक्का जी थे, हमारे झारखंड पार्टी के द्वारा बहुत सारा मैदान बनाया गया, लेकिन अभी वर्तमान में जो भी अगुवा लोग हैं, जो भी नेता लोग हैं, आज इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 2024 में मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं यहाँ अच्छा खेल का मैदान दूँ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल में जाके खेल सकें। धन्यवाद।